अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस चौधरी। आई एम फ्रॉम मियां चनू एंड आई एम स्टडिंग बीएस इंटरनेशनल रिलेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर। आई पार्टिसिपेट इन वीडियो एडिटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाई रोल स्टूडेंट कम्युनिटी साहिवाल चैप्टर। 6 सितंबर 1965, पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों की दास्तां का दिन। हम दिफा करना खूब जानते हैं, जारहियत कभी की नहीं और दिफा में कभी कोई कसर छोड़ी नहीं। दुश्मन बार बार आजमा चुका है। 6 सितंबर 1965 की शब, हमसाया मुल्क ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। दुश्मन इस सोच में था कि रात को पाक फौज के जवान वर्दी उतारे सो रहे होंगे, लेकिन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। लाहौर जिमखाना में चाय पीने के दुश्मन के ख्वाब चकना चूर कर दिए। कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी हो गई। खुराक और देगर सामान के ढेर ही नहीं लगाए, नौजवानों की टोलियां दुश्मन के साथ दो दो हाथ करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। आर्मी चीफ अयूब खान ने रेडियो पाकिस्तान पर तकरीर की के ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरी कौम के हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो। दुश्मन ने सरगोधा पर फिजाई हमला किया तो शाहीनों ने पलक झपकते ही 4 जहाज तबाह करके दुश्मन की कमर तोड़ दी। बीआरबी नहर पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन साबित हुई। दुश्मन ने 1965 में पाकिस्तान पर शबे खून मारा तो इसका ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के अहम इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और सुबह को लाहौर के पाए का नाश्ता करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने मिलकर मर्दाना वार दुश्मन का मुकाबला किया। सरों पर कफन बांधकर मादरे वतन के दिफा के लिए निकल पड़े और सीनों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के आगे लेट गए। वो शायद इस बात से वाकिफ नहीं थे कि जो ज़मीन शहदा के लहू से सैराब होती है वो बड़ी जरखेज और बड़ी शादाब होती है। इसके बहादुर सपूत इस धरती की तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ने और उठने वाली हर आँख को फोड़ने की सलाहियत रखते हैं। जान मार देती हैं लेकिन मादरे वतन पर आँच नहीं आने देते। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हमने चौंडा के मैदानों को टैंकों के कब्रस्तानों में बदल दिया। कौमों और मुल्कों की तारीख में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आम अयाम के बरक्स बड़ी कुर्बानी को मांगते हैं। ये दिन फर्जंदाने वतन से हफाजते वतन के लिए तन मन धन की बाजी लगाने का तकाजा करते हैं। माओ से इनके जिगर गोशे और बूढ़े बाप से इनकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा मांगने का मुतालबा करते हैं। ये अयाम फैसला कुन होते हैं। अगर कुर्बानी का हक अदा न किया जाए, मालो जान को वतन पर तरजीह ना दिया जाए, माँ की ममता अपने जिगर गोशे को कुर्बान करने पर रजामंद ना हो, बूढ़ा बाप अपने ख़ानदान का सहारा खोने को तैयार ना हो, तो वतन अपना वजूद खो बैठते हैं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़ की कसम खाई है। हाँ, हमने गुलशन के तहफ़ की कसम खाई है कि जिमखाना क्लब में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को मैं मेजर अजीज भट्टी बनकर इनके ख्वाबों को ज़मीन में मिला देता हूँ। हाँ, हमने गुलशन के तहफ़ की कसम खाई है कि मैं राशिद मिनास बनकर दुश्मन के तैयारों का रुख मोड़ देता हूँ और इसके नापाक इरादों को ज़मीन बोस कर देता हूँ। हाँ, हमने गुलशन के तहफ़ की कसम खाई है कि कभी मैं MM आलम बनकर 40 सेकंड में दुश्मन के 5 जहाज ज़मीन बोस करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर देता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का और वतनी अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। ये पाक धरती मरियम मुख्तार जैसी बहादुर बेटियों और हसन सदीकी जैसे बहादुर सपूतों को जन्म देती रहे। ये सब हिलाली परचम हमेशा लहराता रहे और ये सितारा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।